सत श्री अकाल जी, बाई जी पंजाबी दे तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा दोस्त अवतार सिंह कंबोज। अजकल विआह शादियां दा सीजन है अते त्यौहारां दा सीजन है। जेकर खुशी दे मौके होण, विआह शादियां होण, भावें त्यौहार होण, तां उस वक्त खाण दी जां फिर खिलाण दी गल जरूर कीती जांदी है। वख-वख तरां दे व्यंजन, वख-वख तरां दे पकवान बना के खाधे भी जांदे हन अते मेहमानां नूं खिलाए भी जांदे हन। जेकर हुण पकवान की गल आती है तो इस दे विच शाकाहारी पकवानों के सब तो अहम स्थान रखता है पनीर। पनीर की वख-वख डिशिज बहुत ही स्वाद बनदियां हन। पनीर की वख-वख इन्हां डिशिज नूं हर कोई व्यक्ति खाना भी पसंद करता है। हुण लेकिन पनीर भी नकली आन लग्या है। अज असी इस वीडियो दे विच पनीर दे जिथे गुणों के बारे में जाणांगे, उत्थे ही असली अते नकली पनीर दे विच पहचान करनी भी सिखांगे। पनीर दे विच बहुत सारे गुण हुंदे हन। जिथे इस दे वख-वख पकवान बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, उत्थे इस दे विच सिलेनियम, फास्फोरस, पोटासियम अते कैल्शियम भरपूर मात्रा विच पाए जाते हैं। कैल्शियम का एक वड्डा स्रोत होने दे करके पनीर कितने कितने हड्डियां नूं मजबूत करन दा भी काम करता है। तुहाडे इम्यूनिटी सिस्टम नूं भी स्ट्रोंग करता है पनीर। अते जेकर तुहाडा मोटापा तुहानूं तंग कर रहा है तां कितने कितने एक निश्चित मात्रा दे विच खाली पेट खाण दे नाल इह तुहाडे फैट नूं भी बर्न कर सकता है। इस दे नाल ही पनीर दे विच होर बहुत सारे गुण भी हुंदे हन। हुण गुणां दा भरपूर खजाना तां पनीर है ही, लेकिन कितने कितने अज दे मिलावटी युग दे विच पनीर भी मिलावटी आन लग्या है। खास करके त्यौहारां दे सीजन दे विच, विआह शादियां दे सीजन दे विच वड्डी मात्रा दे विच पनीर दी खपत हुंदी है। तां इस विच कोई शक नहीं कि इहदे विच काफ़ी मात्रा दे विच पनीर इहो जिहा भी हुंदा है जो मिलावटी हुंदा है, अते इह मिलावटी पनीर कितने कितने तुहाडे शरीर नूं खराब भी कर सकदा है। क्योंकि पनीर दे विच जिहड़ी चीज़ां दी मिलावट की जाती है वह सीधा असर तुहाडे पेट दे उपर करदियां ने, तुहाडे हाजमे दे उपर करदियां ने, तुहाडे डाइजेशन सिस्टम दे उपर करदियां ने, अते तुहाडे हाजमे नूं, डाइजेशन सिस्टम नूं कमजोर कर सकदियां ने, जिस नाल तुसीं कई प्रकार दी दिक्कतां दा तुहानूं सामना करना पै सकदा है। सो फिर इन्हां चीज़ों तों बचण दे लई असली अते नकली पनीर दे विच फर्क करना जरूर सीखना चाहीदा है। हुण असली जां फिर मिलावटी पनीर दे विच पहचान करन दा सब तो पहला तरीका यही है कि जिस वक्त भी असी पनीर खरीदना हैगा तां उसनूं जेकर आपां छू के वेखीए तां जो असली पनीर हैगा वह बहुत नरम महसूस होवेगा, क्योंकि दुध तो पनीर नूं तैयार किया जाता है। इस करके दुध वांग ही पनीर सॉफ्ट हुंदा है। जेकर पनीर नूं टच करिया तुहानूं महसूस होवे कि पनीर खुरदरा है जां फिर पनीर की सतह सख्त है, तां फिर उस दे विच किसी ना किसी चीज़ की मिलावट हो सकती है। सो शुद्ध या फिर असली पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हुंदा है अते बिल्कुल नरम हुंदा है। हुण फिर पनीर नूं जेकर पहचानण दे दूजे तरीके की गल करिए तां पनीर नूं खा के भी आसानी दे नाल पहचानिया जा सकता है। हुण पहचान यह है कि जो असली या फिर शुद्ध पनीर होवेगा वह तुसीं जदों खावोगे तां बिल्कुल तुहानूं दुध का टेस्ट आवेगा, क्योंकि दुध तो ही पनीर नूं तैयार किया जाता है। जेकर तुसीं पनीर नूं खांदे वक्त तुहानूं महसूस होवे कि पनीर नूं चबना पै रहा है जां फिर पनीर मूँह दे विच घुल नहीं रहा, तां भी पनीर मिलावटी हो सकता है। क्योंकि शुद्ध पनीर का टेस्ट जिथे बिल्कुल दुध वर्गा हुंदा है, उत्थे नाल ही शुद्ध पनीर मूँह दे विच इकदम घुल जाता है अते नकली पनीर नूं बार बार चब के खत्म करना पैंदा है। इस दे नाल ही शुद्ध पनीर का टेस्ट भी बिल्कुल क्रीमी होवेगा, मलाई वर्गा होवेगा, दुध वर्गा होवेगा। अते जेकर तुहानू किसी होर प्रकार का पनीर दे विचो स्वाद आ रहा है तां भी पनीर मिलावटी हो सकता है। आसानी दे नाल मिलावटी पनीर की पहचान करन दा एक तरीका यह भी है कि पनीर का टुकड़ा लेके हाथ दे उपर चंगी तरह उसनू मसलिया जाए। हाथ की हथेली के उपर जो तुसी पनीर नू मसलोगे तो पनीर जेकर शुद्ध होवेगा तो वह दुध दे वांग घुल जाएगा, क्योंकि दुध तो पनीर तैयार होंदा है। इस करके पनीर सॉफ्ट होंदा है अते आसानी दे नाल मसलियां घुल जाता है। अते जेकर पनीर मिलावटी होवेगा तां तुहाडी हथेली दे उपर पनीर दा बुरादा बन जाएगा जां फिर पनीर कई टुकड़ियां दे विच टुट जाएगा, क्योंकि स्किम्ड मिल्क तो अक्सर जो पनीर तैयार किया जाता है वह घुलदा नहीं अते हथेली दे उपर टुकड़ियां दे विच टुट जाता है। हुण मिलावटी पनीर की पहचान करन दा एक तरीका होर भी है जिस दे माध्यम दे नाल तुसी घर बैठे ही शुद्ध पनीर की पहचान कर सकते हो। तुसी करना की है, एक पतीली दे विच अद्धा लीटर पानी लेके उस दे विच थोड़ा जा पनीर नू गर्म करना है, उबाल लेना है। उबालन तो बाद इस नू ठंडा कर लेना है अते ठंडा करन तो बाद इस दे विच सोयाबीन का थोड़ा जा पाउडर पा देना है। तुसी कुछ मिनट बाद देखोगे, लगभग 10 मिनट बाद देखोगे, जेकर पनीर दे विच हल्की जी लाली या फिर लाल रंग बनना शुरू हो गया है तो फिर यह पनीर मिलावटी है,
क्योंकि मिलावटी पनीर जिहड़ा आपां कहीए डिटर्जेंट पाउडर जां फिर यूरिया तों तैयार कीता जांदा है उसनू इस विधि दे नाल आसानी दे नाल फड़िया जा सकदा है। हुण पनीर खरीदण वेले जां तां सानू खुला पनीर मिलदा है जां फिर सानू पैकेट बंद पनीर मिलदा है। पैकेट बंद पनीर दे उपर वख-वख कंपनियां दे वल्लों समगरी दी चीज़ां लिखियां हुंदियां ने अते इन्हां इनग्रीडियंट्स दे विच जिक्र हुंदा है कि कड़ी-कड़ी चीज़ां दी मिलावट तों बाद इह पदार्थ तैयार कीता गया है। हुण पनीर दी पैकेट दे उपर जेकर दुध तों इलावा नींबू अते सिरके तों इलावा किसी होर चीज़ दा जिक्र हैगा तां फिर उस दे विच मिलावट समझी जा सकदी है, क्योंकि पनीर दुध तों तैयार कीता जांदा है अते दुध तों पनीर नूं तैयार करन दे लई नींबू जां फिर सिरके दा इस्तेमाल कीता जांदा है अते इस समगरी दे विच जेकर कोई होर चीज़ है तां फिर पनीर ओह बहुता लाहेवंद नहीं हो सकदा। सो इह कुछ विधियां ने जिन्हां विधियां दे माध्यम दे नाल तुसीं शुद्ध जां फिर नकली पनीर दे विच अंतर कर सकदे हो, पहचान कर सकदे हो, क्योंकि शुद्धता खाण पीण वाली चीज़ां दे विच बहुत ही जरूरी है। जेकर तुसीं शुद्ध चीज़ां खावोगे, असली चीज़ां खावोगे, तां ही तुहाडा शरीर तंदुरुस्त रह सकदा है। जेकर तुहानू इह वीडियो पसंद आई तां इस वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना अते जेकर तुसीं बाई जी पंजाबी नूं पहली बार वेख रहे हो तां बाई जी पंजाबी चैनल नूं फॉलो करना भी ना भुलना। हुण सानू दिओ इजाजत, फिर मिलांगे, धन्नवाद जी।